कि बाबा सूरजपाल की दुनिया जितने रहस्यमयी थी उससे भी ज्यादा रहस्यमयी उसकी आर्मी थी। जी हाँ, उसके 5,000 सेवादारों को उसकी पिंक आर्मी कहा जाता था। इसके अलावा 100 ब्लैक कैट कमांडोस थे। ये निजी सेना बाबा के साथ साय की तरह रहती थी, कोई बाबा के आसपास तक नहीं फटक सकता था। और इसी आर्मी ने भगदड़ के बाद सुरक्षित तरीके से बाबा को सेकेंड्स के भीतर वहां से निकाल दिया। बाबा सूरजपाल की वो पिंक आर्मी, बाबा के खतरनाक ब्लैक कमांडोज, बाबा का हरिवाचक स्क्वाड, नारायणी सेना के 5,000 जवान, ब्लैक कमांडोज के 100 जवान, बाबा सूरजपाल के रहस्यों से एक एक कर पर्दा उठ रहा है। और इसमें सबसे दिलचस्प है बाबा की वो पिंक आर्मी जिसमें कम से कम 5,000 जवान थे। और इससे ज्यादा चर्चा में है बाबा के ब्लैक कमांडोज जो उसके एक इशारे पर जान देने को तैयार रहते थे। आखिर बाबा का सुरक्षा घेरा इतना सख्त क्यों था, इतना रहस्यमय क्यों था? बाबा के कार्यक्रमों में वीडियो बनाना मना था, यहाँ तक कि मोबाइल ले जाना भी मना था। रास्ते से गुजरते लोग भी अगर सत्संग का वीडियो बनाते तो उन्हें रोक दिया जाता था। देखिए कैसे एक ब्लैक कमांडो बस से बनाए जा रहे वीडियो को रोकता है। अरे वीडियो बनने कर ले भाई, तले आ नीचे तले आ रहे। ये बाबा की पिंक आर्मी है जो सड़कों पर तैनात। हर सत्संग में इस आर्मी का काम बाबा को हिफाजत देना होता था। और इस तरह के ब्लैक कमांडोज बाबा की सुरक्षा के साथ साथ भीड़ के बीच से उसे बाहर निकालते थे। और ये देखिए बाबा की लेडी कमांडो, आर्मी जैसी पोशाक में हर शख्स नजर आ रहा है। हर सत्संग में बाबा की ये महिला कमांडोज की फोर्स भी नजर आती थी। बाबा की 3 लेयर सुरक्षा में इस आदमी का बड़ा रोल होता था। सुरक्षा का आलम यह है कि बाबा की सुरक्षा में 5,000 से ज्यादा पिंक आर्मी के जवान मौजूद रहते थे। बाबा के अपने 100 ब्लैक कैट कमांडोज थे। इसी यूनिट में महिला कमांडो भी थी। महिला कमांडो पैरामिलिट्री फोर्स जैसी वर्दी पहनती है। 25 से 30 लोगों का खास दस्ता भी था जिसका नाम हरिवाहक दस्ता था। और अब हम आपको दिखाएंगे कि हादसे के बाद कैसे बाबा निकलकर भागा था और इसी कमांडोज की टीम ने उसको निकाला था। ये हादसे के बाद की तस्वीरें हैं। बाबा को निकालने के लिए देखिए कैसे पिंक आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया था और इसके बाद बाबा निकला था। देखिए कैसे पहले बाइक पर ब्लैक कमांडोज निकले और उसके बाद दंदनाते हुए बाबा की सफेद रंग की ये गाड़ी निकली। बाबा की ये प्राइवेट आर्मी इतनी ताकतवर है कि पुलिस को भी अपने किसी कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम स्थल के अंदर नहीं आने देती। हाथरस में हुए भगदड़ कांड में भी पुलिस मौके पर नहीं थी। सुनिए अलीगढ़ के आईजी कैसे लाचारी जता रहे हैं कि बाबा पुलिस को अंदर नहीं आने देता था। प्रकाश में आई कि वहां पर ये किसी भी व्यक्ति को वीडियो बनाने से रोकते थे। वह पुलिस प्रशासन को जो अभी तक की हम लोग की पूछताछ और साक्ष्य संकलन है और जो वीडियो आप लोग के माध्यम से भी प्राप्त हुए उसके अंदर देखा गया कि इनके द्वारा खुद ही अपने आप को भीड़ नियंत्रण का प्रयास किया जाता है और किसी प्रकार की पुलिस वहां पर या प्रशासनिक व्यवस्था को ये लोग एक तरह से अलाउ नहीं करते हैं, इनके अपने इसमें रिजर्वेशन है। और जब पुलिस ने शुरुआती जांच की तो इसमें पाया कि बाबा की आर्मी और कमांडोज ही इस भयानक हादसे के जिम्मेदार हैं। एसडीएम ने रिपोर्ट में लिखा, सत्संग के बाद भोले बाबा निकला और उसके चरण की धूल लेने के लिए लोग आगे बढ़े, तभी बाबा के ब्लैक कमांडोज और सेवादारों ने भीड़ के साथ धक्का मुक्की की। इसके बाद भगदड़ मची, यानी बाबा की इसी निजी आर्मी ने 121 लोगों की दर्दनाक मौत का इंतजाम कर दिया। और उससे ज्यादा जिम्मेदार है वो बाबा जो धर्म के नाम पर लोगों की जान से खेल रहा था। संतोष शर्मा और अरविंद ओझा के साथ समर श्रीवास्तव, आज तक। हमारे दो संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। अमित, आपके पास आते हुए कि पिंक आर्मी ब्लैक कैट कमांडोस इसके पास और प्रशासन को इजाजत नहीं मिलती थी, कहता था मोबाइल फोन बंद कर दो, तो प्रशासन भी क्या इसके सामने बेबस था कि कोई ये नहीं कह सकता था कि भाई आपने परमिशन हमसे ली तो हम तो देखेंगे कि तुम कर क्या रहे हो अंदर? अमित,
और राजीव देखिए बिल्कुल इसमें कई सारे सवाल हैं, बेबस होना या आप एक्ट कर रहे थे एक तरह से। कहते हैं कई बार जब धर्म और जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं उनके बीच का क्या जो गैप होता है, जो लकीर होती है, वो जब मिटने लगती है तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। ये सवाल इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि कोई भी धर्मगुरु हो, कोई भी अपने आप को सेल्फ स्टाइल गॉडमैन बताता हो, आप अगर वहां पे 80,000 लोगों को इकट्ठा होने की परमिशन दे रहे हैं तो फिर SDM जो रिपोर्ट में खुद लिख रहे हैं कि मैं वहां मौजूद था और 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की वहां पे भीड़ इकट्ठा हो गई थी, तो आपने क्यों नहीं ऐसे वक्त में एक्स्ट्रा फोर्स रीइन्फोर्समेंट को बुलाया, क्यों एग्जिट प्लान नहीं तैयार किया गया, क्यों इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को तैयार नहीं किया गया। और ये सवाल बार बार इस वजह से भी राजीव पूछा जाएगा क्योंकि जब ये भगदड़ मची तो जो स्थानीय लोग थे या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स थे ट्रॉमा सेंटर की तरफ भागे जो लोग थे उन लोगों को लेकर जो हादसे का शिकार हुए थे, और उस ट्रॉमा सेंटर पे आश्चर्य होगा आपको कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी इस तरह की इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए। कई सारे लोग अब ये दावा कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि अगर संभवतः वहां ऑक्सीजन होता, डॉक्टर होता तो संभवतः कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती थी, तो एडमिनिस्ट्रेशन पे तो सवाल है और उठेगा। ठीक है, कहने को बाबा जिसके भक्तों का एक ही मूल मंत्र था कि पूरे देश दुनिया नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में बाबा नारायण साकार हरि की जय जयकार हो। हम आपको बताते हैं कि बाबा सूरजपाल ने इन्हीं भक्तों के भरोसे के बूते कैसे एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया, वो भी इतने शानदार तरीके से कि कभी सरकार या फिर प्रशासन की निगाहों में आए तो कानूनी लिहाज से उसका बाल भी बाका नहीं हो पाया। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के माया लोक या रहस्य लोक का हर राज बताएं, उससे पहले जरा उन भक्तों की बात सुनिए जिनके दिलो दिमाग पर बाबा सूरजपाल ने कब्जा जमा रखा था। वो भक्त जो बाबा को भगवान मानते थे, भक्त जो कह रहे हैं कि गलती मारे गए लोगों की थी, बाबा की नहीं। जो सत्संग में जाने वाली आत्माएं उन्होंने गलती की, बाबा जी ने तो कोई गलती की नहीं। उनके पति मतलब आपके पति? हाँ। तो ये तन के पति हैं बाबा जी? अरे आत्मा के पति हैं। सुना आपने, ये तो थी भक्तों की आस्था और विश्वास, और इसी विश्वास के बूते सूरजपाल ने अपना धंधा फैला रखा था, इसी विश्वास के बूते ये बाबा अपना साम्राज्य फैला चुका था। देखिए बाबा के आश्रम की तस्वीरें, ये आपको बताएंगी कि लोगों के भरोसे से खेलने वाला ये बाबा कितना रईस था। ये बाबा खुद कोई दान नहीं लेता था, उसने शातिर तरीके से ट्रस्ट बनाए और उनके नाम पर जायदादें खरीदी। बाबा के साम्राज्य की एक झलक देखिए, इसके पास देश भर के कई राज्यों में कुल 24 आश्रम हैं। उसके आश्रमों के पास 100 करोड़ से ज्यादा की जमीन है। लग्जरी कारों का बड़ा काफिला बाबा के पास है। उसके काफिले में 25 से 30 गाड़ियां हर वक्त होती थी। खुद के नाम पर संपत्ति ना खरीद कर वो स्थानीय लोगों का ट्रस्ट बनाता था। और ये बाबा खुद को भगवान से कम नहीं मानता था। हर जगह, हर पोस्टर, हर आश्रम में एक लाइन जरूर लिखी मिलती थी कि बाबा की पूरे ब्रह्मांड में जय जयकार हो। बाबा के इस किले में जो घर है, जो प्रवास है, 21 बीघे में फैला हुआ है, करोड़ों की संपत्ति है, बेशकीमती संपत्ति है, अलीगढ़ के नेशनल हाईवे से सटी हुई है, ये दान में है। लेकिन इस दान में पर बनी इस किले कोठी में सुरक्षा के इंतजाम के नाम पर बाबा ने एहतियात के तौर पर CCTV नहीं लगाया ताकि किसी आने जाने वाले पर नजर न रखी जा सके। जो आए बाबा की जानकारी में आए, कोई और न देखने पाए। और ये देखिए बाबा का राजस्थान के दौसा में एक आश्रम, पूरे आश्रम को कवर कर दिया गया है, आश्रम की झलक तक नहीं पा सकते। यहाँ बाबा आता तो पूरे इलाके में उसका डर फैल जाता। उसकी प्राइवेट आर्मी लोगों के आई कार्ड चेक करके उनके घरों तक जाने देती। आसपास की सड़कों पर उसकी प्राइवेट आर्मी का कब्जा होता। लेकिन अब बाबा की पोल खुल चुकी है तो उसके खिलाफ आवाज भी उठने लगी है। दूसरे संत भी सूरजपाल को लेकर सवाल उठा रहे हैं। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो रहा होगा, काखलादा नहीं बन पाया, तैयारियां में कुछ सुनियोजित तरीके से कुछ नहीं हो पाया होगा, ईश्वर जाने। हम उसके लिए कुछ कह नहीं सकते, पर इतना कह सकते हैं ऐसी जगहों से बचें भी,
ऐसी जगहों पर कम जाएं, सावधानी पूर्वक जाएं, और अगर दूर से भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए ना, उसमें भी यह माने कि हमें गुरु का एहसास हो गया। जिस तरीके से बाबा का रहस्य लोक था उसको देखें तो अभी और राज खुलने बाकी हैं। संतोष शर्मा के साथ देव अंकुर आज तक।